ऐसे साबित कर देंगे जैसे आप बोल रहे हो। आपको चिंता हमारी नहीं बीजेपी के, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि अगर इनको पहले पहले इनको ले लेने दो, मतलब इनका इरादा जाहिर हो गया ना, बट इनको पहले हम ठंडा करें। एमएलए कौन है जिसने कंप्लेन की है, किसने पैरवी की है, रुक जाओ धीमे धीमे बोलो, बीजेपी की। ये घटना कहाँ घटित हुई है, कोलार में, कर्नाटक में। सुनी कहाँ गई है, सूरत में, गुजरात में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। तो अगर कंप्लेन बीजेपी की है तो मैं किसको कहूँ, आप दोषी हो, इसलिए बीजेपी दोषी। कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलती है राहुल गांधी जी को, तो आपका आगामी चेहरा कौन होगा 2024 के चुनाव में? माँ विंध्यवासिनी के चरणों में बैठकर मैं ये कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए जाते काल्पनिक सवालों के। अभी तो हमने रिलीफ मांगी नहीं, इसमें तीन पॉइंट हैं जिस पे हमको रिलीफ मिलेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक का एक चुनाव की सभा में दी गया भाषण की सुनवाई कर्नाटक के बाहर कैसे हो सकती है, गुजरात में नियम 202 का उल्लंघन, इसी पे मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो सजा का प्रावधान है मैक्सिमम 2 ईयर्स है, तो जब पहली बार किसी को ऐसे मामले में सजा सुनाई जा रही है, वो एक संसद सदस्य है जिसकी दादी, जिसके पिता दोनों का प्राण गया हो, न्यौछावर किया हो, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसको आप मिनिमम सजा देंगे या मैक्सिमम सजा देंगे? तो इसमें 2 साल मैक्सिमम थी, 2 साल दी गई है। मैं जज के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, कहना नहीं चाहिए, पर जजमेंट दोषपूर्ण है, तर्कों पे आधारित नहीं है, और ये जजमेंट पूरी तरीके से आप अगली अपीली अदालत में खारिज हो जाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल होगी। मैंने 3 पॉइंट गिना दिए हैं, जुडिक्शन का पॉइंट, लीगल पॉइंट मैक्सिमम सजा की, क्योंकि 2 साल यानी 365 दिन और 364 दिन दोनों मिला दिया जाए, सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये तो मैक्सिमम इसमें नहीं दिया जाता, आप लोगों ने आज तक इतनी राहुल गांधी जिस तरह से सदस्यता खत्म हुई है, क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी कहते थे वही मैं दोहरा रहा हूँ कि इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही है, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ और मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि यह पहली बार हो रहा है जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए, वो अडानी बाहर, जिसने लुटवाया भाजपा सरकार वो बाहर, और जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई वो 2 साल के लिए कारावास की सजा, सदस्यता समाप्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। वरना ये इत्तेफाक नहीं देख रहे हैं हम कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस सहित सारा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। सदन सामान्यता विपक्ष व्यवधान पैदा करता है, ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष व्यवधान नहीं कर रहा है, सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। कहीं उनकी, मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं जो राहुल जी ने दोहराया है, कहीं उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। और जब जांच होगी जेपीसी की, तो जिसने लूटा है वो भी दोषी साबित होगा और जिसने लुटवाया है वो भी दोषी साबित होगा, वो भी दोषी साबित होगा। तो आप देखें ना क्या इत्तेफाक हुआ, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उनकी सदस्यता गई, जिसने पूरे विपक्ष ने किया उसकी आवाज खामोश कर दी गई। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए, आगामी चुनाव के लिए। यह वक्त की जरूरत है, वक्त की आवश्यकता।
अगर राहुल गांधी जी को कोर्ट सुविधा नहीं मिलती है तो आपका आगामी चेहरा कौन होगा? नहीं, ये बीजेपी का है, तो ये कोर्ट का फैसला को आप बीजेपी को कैसे साबित कर रहे हैं? बीजेपी का ही आरोप है। हम ऐसे साबित कर देंगे जैसे आप बोल रहे हो। आपको चिंता हमारी नहीं, बीजेपी के मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि अगर इनको पहले इनको ले लेने दो, मतलब इनका इरादा जाहिर हो गया ना, बट इनको पहले हम ठंडा करें। एमएलए कौन गलत तथ्यों पे आधारित है और पूरी तरह ये पूरी तरह कानून की नजरों में खारिज किए जाने योग्य है। बीजेपी ये कह रही है कि ये ओबीसी के खिलाफ इन्होंने बोला था, चूंकि ओबीसी की भावनाएं आहत हुई थी इसलिए ये हुआ है। शिकायत ओबीसी ने की थी, फैसला कोर्ट ने दिया, तो बीजेपी का ये कहना है कि ओबीसी के खिलाफ उन्होंने। अब हम आपको दो चीजें बताएं, आप चौंक जाएंगे मिर्जापुर में। पहली बात, जिसने शिकायत की ओबीसी ने, जो मोदी है जिसने शिकायत की विधायक ने, ओबीसी नहीं, उसने एफिडेविट कोर्ट में दिया है कि आई एम नॉट ओबीसी, मैं ओबीसी नहीं। अब दूसरा आइए, अगर हम मान भी लें, और लोग कई मोदी ओबीसी हैं, कई मोदी ओबीसी नहीं है, शिकायतकर्ता जो था वो बैकवर्ड नहीं है, तो मेरे भैया ये तो कोर्ट का फैसला है। ये ईडी इनकम टैक्स तो आती है मोदी जी के अंतर्गत, ये जो लालू यादव पे हो रहा है, तो क्या यादव लोग वह अपर कास्ट हो गए? ये जो कर्नाटक वाले पीडी का छापा पड़ रहा है, मैंने कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रही, तो सरकार सीधे करा रही, शिव कुमार जी क्या वो अपर कास्ट हो गए? हमारे हरजन अध्यक्ष पे, अनुसूचित जात हरजन पे जो हो रहा है, तो क्या वो सवर्ण हो गए? अब सवर्ण इतने बुरे भी नहीं है, तो इसे मैं कहना चाहता हूँ, एक घटिया राजनीति, उनकी तो आलोचना खुलकर कर सकता हूँ, भाजपा की गिरी हुई राजनीति।